7 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हु गॉट मैरिड मल्टीपल टाइम्स, 7 पाकिस्तानी सितारे जिन्होंने बार बार शादी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात इन पाकिस्तानी चेहरों से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शादी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि दो दो बार या फिर तीन तीन बार या इससे भी ज्यादा दफा शादियाँ की है। नंबर 7, अतीका ओडो। दोस्तों, पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में 90 की दिहाई में कदम रखने वाली इस खूबसूरत और खूबरू अदाकारा ने आते साथ ही सारे पाकिस्तान के न सिर्फ नौजवानों बल्कि 40 और 50 वाले अंकलों के दिलों पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। इनका पहला ड्रामा निजात के नाम से पाकिस्तान टेलीविजन पर ऑन एयर आया था जिसमें इनके मद्दे मुकाबिल हीरो नोमान इजाज थे। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि अतीका ओडो की पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, मगर कुछ नागजीर वजूहात की बिना पर कुछ ही सालों में इनकी तलाक भी हो गई। इनकी पहली शादी से एक बेटी और एक बेटा भी है। 21 साल की उम्र में अतीका ओडो ने अपनी दूसरी शादी पाकिस्तान के एक अमीर बिजनेसमैन से की जिनका नाम जावेद अखंड था। इस दूसरी शादी से अतीका ओडो के फिर दो बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी, मगर बदकिस्मती से इस दफा भी अतीका ओडो अपना घर ना बचा सकी और कुछ ही सालों बाद इन दोनों मियां बीवी में अलहदगी हो गई। दोस्तों, यहां पर एक बात काबिले दीद ये भी है कि अपनी निजी जिंदगी में इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अतीका ओडो ने कभी भी अपने काम पर समझौता नहीं किया और वो मुतवातिर काम करती रही। अतीका ओडो ने अपनी तीसरी और अब तक की आखिरी शादी जुलाई 2012 में तहरीक इंसाफ के एक मशहूर लीडर समर अली खान से की और दोनों बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6, जारा नूर अब्बास। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर पाकिस्तान की खूबसूरत हसीनो चंचल और उभरती हुई अदाकारा जारा नूर अब्बास आती हैं जिन्होंने शोबिस में आते ही अपनी मद्दे मुकाबिल अदाकाराओं के छक्के छुड़ा दिए थे। ये अदाकारा जितनी खूबसूरत है इससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड भी है और हर तरह के किरदार में आसानी से रच बस जाती है। जारा नूर अब्बास बुशरा अंसारी की भांजी है और आसमा अब्बास की बेटी है। जारा नूर अब्बास को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो किसी अच्छे मुल्क से जाकर अदाकारी सीख कर आए और वो अपनी कोशिश में ही थी कि इनके लिए अमेरिका से एक रिश्ता आ गया जिस पर फौरन ही जारा ने हाँ कर दी। इस हाँ के पीछे जारा का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो बासानी अमेरिका पहुंच जाए और वहाँ पर एक्टिंग सीख सके, मगर इनका ये फैसला गलत साबित हुआ और बहुत ही जल्द इन्हें तलाक लेकर वापस पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान में वापस आकर जारा ने शोबिज में कदम रखा तो वो बहुत जल्दी अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग की वजह से मशहूर भी हो गई और इनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू भी हो गए। जारा की शूटिंग के दौरान ही असद सिद्दीकी से मुलाकात हुई। कुछ ही दिनों की सरसरी सी मुलाकातों के बाद दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी होगी और आज वो दोनों अपनी जिंदगी एक आइडियल मियां बीवी की तरह गुजार रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात ये भी बताते चलें कि असद सिद्दीकी की भी ये दूसरी शादी है और वो पहले भी शादीशुदा रह चुके हैं। नंबर 5, सारा खान फलक। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी अदाकारा की स्टोरी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था बल्कि इनकी पैदाइश सऊदी अरेबिया में हुई थी और वहीं पर ये पली पड़ी। इनके वालिद पाकिस्तानी थे जबकि इनकी वालदा का ताल्लुक लबनान से था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सारा खान फलक की जो कि बहुत ही नफीस धीमे लहजे वाली अदाकारा हैं और इनके बारे में ये बात सबसे ज्यादा मशहूर है कि वो शोबिज इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाती। सारा खान शोबिज में आने से पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामों में भी काम करने लगी। सारा की पहली शादी आगा अली से हुई थी और ये इनकी अपनी पसंद की शादी थी और इन दोनों ने बहुत से ड्रामों में एक साथ काम भी किया, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों में नाराजगी रहना शुरू हो गई और फिर अचानक एक दिन ये खबर पूरे मीडिया पर फैल गई कि इन दोनों में ब्रेकअप हो गया है। सारा खान की पहली शादी की ब्रेकअप की वजह भी ये बताई जाती है कि आगा अली को एक खास किस्म की बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से इनके बदन पर दाने बनना शुरू हो गए थे और इसके बाद ही डाइवोर्स वाला मामला शुरू हो गया। इसके बाद ना तो आगा अली ने अपनी जिंदगी को रुकने दिया और ना ही सारा खान ने। तलाक के कुछ ही महीनों बाद आगा अली ने हिना अल्ताफ से शादी कर लिया। तकरीबन इससे 1.5 साल बाद सारा खान ने पाकिस्तान के टॉप के मशहूर सिंगर फलक शब्बीर से शादी कर ली और अब सारा खान की एक बेटी भी है। नंबर 4, फैसल कुरैशी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक टॉप के एक्टर फैसल कुरैशी की और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इसे एक लाइक दे डालें। दोस्तों, फैसल कुरैशी जिन्होंने एक्टिंग के हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। फैसल कुरैशी इन अदाकारों में से हैं जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में ना सिर्फ हर तरह का रोल किया बल्कि बखूबी निभाया भी है। फैसल कुरैशी एक मशहूर फिल्मी खानदान के चश्मो चराग हैं। इनके वालिद का नाम आबिद कुरैशी था और इनकी वालदा का नाम अफशां कुरैशी था। इनकी वालदा
उर्दू और पंजाबी फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा थी। अगर हम फैसल कुरैशी की बात करें तो इन्होंने साल 1985 से ही ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख लिया था, यानी कि वो बचपन से ही इस फील्ड में आगे थे। फैसल कुरैशी की शादी की बात करें तो इनकी पहली शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी, तकरीबन 18 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हो गई थी और इनकी ये शादी तकरीबन 8 साल तक चलने के बाद खत्म भी हो गई। और इस पहली शादी से फैसल कुरैशी की एक बेटी हानिश कुरैशी भी है। इसके कुछ सालों बाद ही फैसल कुरैशी ने एक दफा फिर से शादी की, मगर अफसोस इनकी ये शादी भी कामयाब ना हो सकी और एक दफा फिर तलाक का मुंह इन्हें देखना पड़ा। इसके बाद आखिरकार फैसल कुरैशी ने बड़ी मुश्किल से सना नामी एक लड़की से शादी की, क्योंकि फैसल कुरैशी ने एक टॉक शो में खुद बताया था कि उन्होंने अपनी बीवी को शादी के लिए बहुत मुश्किल से मनाया था और ये फैसल कुरैशी की तीसरी शादी थी और अब दोनों बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। फैसल कुरैशी की तीसरी शादी से एक बेटी भी है जिसका नाम आयत कुरैशी है। नंबर 3, शाहिस्ता लोधी। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज की महारानी शाहिस्ता लोधी की। शाहिस्ता अपने कैरियर के लिहाज से एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं और बड़ी कामयाबी से अपना क्लिनिक भी रन कर रही हैं। शाहिस्ता का एक ख्वाब यह भी है कि वो पाकिस्तान में स्किन डिजीज के हवाले से ऐसे इलाज दरियाफ्त करें जो कि हर पाकिस्तानी की पहुंच में हो। शाहिस्ता लोधी ने शोबिज में पहला कदम 2001 में एक वीजे की हैसियत से रखा था, मगर बाद में इनकी काबिलियत और सलाहियत को देखते हुए इनको पहली दफा ARY चैनल की तरफ से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नाम से एक शो करने की पेशकश हुई, जिसको शाहिस्ता लोधी ने फौरन ही कबूल कर लिया और इसके बाद शाहिस्ता लोधी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अगर शाहिस्ता लोधी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो एक अरसे तक बहुत अच्छी चली, मगर फिर अचानक से इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां पर इनको अपने खाविन से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। शाहिस्ता लोधी की पहली शादी साल 1999 में वकार वाहिदी से हुई थी। शाहिस्ता की पहली शादी से 3 बच्चे भी हैं। शाहिस्ता की ये शादी तकरीबन 13 साल तक कायम रही। शाहिस्ता अपने तीनों बच्चों की देखभाल खुद ही कर रही हैं। 2015 में शाहिस्ता ने दोबारा शादी कर ली और इस दफा इनकी शादी इनके अपने ही कजन अदनान लोधी से हुई, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नंबर 2, बिंदिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस बिंदिया की, जिनका असल नाम रुबीना है और इन्होंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना नाम बिंदिया रख लिया था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि बिंदिया को पाकिस्तानी रेखा भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी शक्ल भारतीय अदाकारा रेखा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। बिंदिया ने अपने कैरियर का आगाज PTV पर एक इंग्लिश न्यूज एंकर के तौर पर किया, मगर इंतहाई खूबसूरत होने की वजह से इनको फिल्मों और ड्रामों की पेशकश भी होने लगी, जिसको बिंदिया ने कबूल कर लिया और फिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। बिंदिया ने अपने अरूज के दौर में 1970 की दिहाई में एक फलस्तीनी पायलट मोहम्मद अल खमीश से शादी कर ली, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही सालों बाद बिंदिया के शौहर अचानक इतनी बड़ी दुनिया से गायब हो गए और इनका आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहां गए। इस वक्त बिंदिया का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम जहांजेब अल खमीश है। इतना बड़ा सदमा सहने के बाद भी बिंदिया का हौसला खत्म नहीं हुआ और वो जिंदगी के इम्तहानात का सामना करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटी और वो इन दोनों ड्रामों और मुख्तलिफ फिल्मों में काम करती भी नजर आई। तकरीबन 15 साल गुजरने के बाद बिंदिया ने एक पाकिस्तानी टीवी आर्टिस्ट असद से 1991 में शादी कर ली और इसके बाद वो अमरीका मुंतकिल हो गई, मगर अफसोस के ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी। तकरीबन 15 साल अमरीका गुजारने के बाद बिंदिया दोबारा पाकिस्तान आई और एक पाकिस्तानी ड्रामे मेरी बहन माया में लोगों को नजर आई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने के दौरान बिंदिया की मुलाकात एक अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर जफर अहमद से हुई और वो बाद में एक दूसरे को पसंद भी करने लगे और फिर इन्होंने 7 सितंबर 2013 को अपने कुछ करीबी दोस्तों और घर वालों की मौजूदगी में तीसरी शादी भी कर ली, जो अब तक चल रही है। नंबर 1, नूर बुखारी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पूरी 4 शादियां की हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक जाने पहचाने नाम नूर बुखारी की। नूर ने अपना फिल्मी कैरियर 1990 में शुरू किया था और बहुत सारी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम भी किया। इसके अलावा नूर मॉर्निंग शोज में भी काम कर चुकी हैं। अगर हम नूर बुखारी की शादियों का जिक्र करें तो इसमें नूर बिल्कुल भी खुशकिस्मत नहीं नजर आती। नूर ने पहली शादी सन 2008 में दुबई के एक इंडियन बिजनेसमैन विक्रम से की, मगर इसी साल अप्रैल में नूर ने पाकिस्तान वापस आकर इंडियन शौहर विक्रम के खिलाफ डाइवोर्स के लिए केस कर दिया। नूर का कहना था कि विक्रम ने शादी से पहले इनसे झूठ बोला था कि वो मुसलमान हो गया है, मगर शादी के बाद जल्द ही नूर को यह एहसास हो गया कि ये सब झूठ था। नूर ने कहा कि विक्रम को मुसलमान होने का कहा, मगर इसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों में अलहदगी हो गई। इसके बाद अदाकारा नूर ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर फारूक मेंगल से शादी की, मगर ये शादी भी कामयाब ना हो सकी और निकाह के चंद ही महीनों बाद दोनों में अलहदगी हो गई। कुछ ही साल अकेले रहने के बाद नूर ने फिर से शादी करने का फैसला किया और इस बार उन्होंने 2012 में ओन चौधरी से शादी रचा ली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं। नूर बुखारी की इनसे शादी तकरीबन 1 साल ही चल सकी और फिर चंद नागुजीद वजूहात की बिना पर दोनों की अलहदगी हो गई। फिल्म स्टार नूर की इस शादी से एक बेटी भी है जो कि नूर के पास ही होती है। जून 2015 में एक दफा फिर से फिल्मी हलकों में नूर के
बारे में ये बात गर्दिश करने लगी कि इन्होंने फिर से शादी कर ली है। तहकीक करने से साबित हुआ कि वाकई नूर ने अपने करीबी दोस्त जो कि एक अदाकार भी है इनसे शादी कर ली है और इनका नाम वली हामिद अली खान है जो कि एक क्लासिकल सिंगर हामिद अली खान के बेटे भी हैं। मगर अफसोस के साथ बताया जाता है कि नूर की ये चौथी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और दोनों में अलहदगी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको किसी और भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के बारे में पता है जिसने बार बार शादी की है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।